सांस लें। आज मैं आपको दरख्वास्त करवा रही हूँ, पेज नंबर है 38, डाकिये के खिलाफ शिकायत के लिए दरख्वास्त। डाकिये के खिलाफ शिकायत के लिए दरख्वास्त जो है वो आप जो है पेज नंबर 38 से खोलें। आप जब भी कोई दरख्वास्त स्टार्ट करते हैं तो दरख्वास्त में सबसे पहले आपने क्या करना है, दरख्वास्त में उसकी हेडिंग देनी है। जैसे डाकिये के खिलाफ शिकायत के लिए दरख्वास्त है तो सबसे पहले आपने ये उर्दू मार्कर से हेडिंग देनी है। उसके बाद लाइन के पास से आपने स्टार्ट करना है, बाखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर अलामा इकबाल टाउन लाहौर, बाखिदमत जनाब। जब जनाब लिखेंगे तो साद साहब ने लिखेंगे, और जो उसके बाद आपने अगर जनाब के बाद जनाब लिखेंगे तो साहब नहीं लिखेंगे, साहब लिखेंगे तो जनाब नहीं लिखेंगे, और बखिदमत को लाइन के पास से आपने स्टार्ट करना है। और इसके बाद आप लोग बच्चों जैसे ऊपर हेडिंग देखनी है किसके लिए दरख्वास्त लिखनी है, डाकिये के खिलाफ शिकायत के लिए, तो आपने पोस्ट मास्टर साहब को दरख्वास्त लिखनी है, बखिदमत जनाब पोस्ट मास्टर। उसके बाद आपने कोमा लगाना है, अलामा इकबाल टाउन जगह का नाम लिखना है। ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट मास्टर जो है अलामा इकबाल टाउन में ही रहते हैं, आप सब्ज़ा ज़ार किसी और जगह, यतीम खाना या किसी और जगह का भी नाम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। जिस जगह पर आप रहते हैं उसका भी इलाके का नाम लिख सकते हैं, अलामा इकबाल टाउन। उसके बाद आपने कोमा लगाना है, लाहौर, लाहौर के बाद जब शहर का नाम लिखते हैं उसके बाद कोई कोमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं लगाना। इसके बाद आपने निचली लाइन में अनवान लिखना है, अनवान के बाद दो डॉट लगाना है, अनवान को मार्कर से लिखें, और उसके में देखना है कि आप किसके लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं, डाकिये के खिलाफ लिख रहे हैं तो डाकिये के खिलाफ शिकायत लिखनी है हेडिंग। और उसके बाद दरख्वास्त ब्राय साथ नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग लिखनी है डाकिये के खिलाफ शिकायत। उसके बाद आपने नीचे लाइन लगानी है और इस हेडिंग के नीचे, और उसके कोशिश करनी है कि ये अनवान के नीचे ये लाइन ना जाए। और उसके बाद उससे निचली लाइन में आपने दाएं तरफ करके लिखना है जनाबे आली, और उसके आगे फंजाइया का निशान लगाएंगे। आली लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने खड़ी सबर नहीं डालनी, और जनाब के नीचे बे के नीचे जेर लगा सकते हैं। और उससे नीचे जो है पैराग्राफ की सूरत में दरख्वास्त स्टार्ट करनी है, गुजारिश है कि हमारे इलाके अलामा इकबाल टाउन में डाक की तकसीम का निज़ाम इंतहाई नाकस है, और ये एक नाकस है यानी कि ख़राब है डाक की तकसीम का निज़ाम, के यानी कि जो डाक आती है उसका निज़ाम जो है वो इंतहाई के बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से तमाम अहले मोहल्ला जो है परेशान हैं। और अरफा फैसल आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अरफा ईमान आसिफ आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ। बेटा आपको आवाज सही तरीके से आ रही है? ये ऐसा आ रही है। और जब तक नेट जो है चल रहा है तो आप लोग क्लासेस लें, उसके बाद अगर ऑफ हुआ तो आपने साथ ही फिर मंडे को क्लासेस लें, ठीक है? टीचर नेक्स्ट वीक में हमारा सैटरडे ऑन होगा। जिसकी वजह से तमाम अहले मोहल्ला परेशान है, गुज़श्ता 3-4 माह से डाकिया कई कई दिन तक आता ही नहीं, अगर आ भी जाता है तो खतूत मुतल्लिका लोगों को देने के बजाय दूसरों को दे जाता है, और हमारे ज़रूरी खत जो हैं वक्त पर ना मिलने की वजह से हमारा बड़ा नुकसान होता है। गुज़श्ता यानी कि जो 3-4 माह से, जो पिछले 3-4 माह उससे डाकिया कई कई दिन तक आता ही नहीं, और अगर आ भी जाता है तो खतूत मुतल्लिका लोगों को यानी जिनको खत देने हैं उनके बजाय दूसरों को दे जाता है, और हमारे ज़रूरी खत वक्त पर ना मिलने की वजह से हमें बड़ा नुकसान होता है। मेरा एक इंतहाई ज़रूरी खत 4 रोज़ की तखीर से तकसीम हुआ। 4 रोज़ की तखीर का मतलब है कि 4 रोज़ जो है लेट यानी कि मुझे मिला, और इस तखीर का नतीजा, तखीर का मतलब होता है कि देर, इस तखीर का नतीजा ये निकला कि मैं अपने एक दोस्त की शादी में शिरकत से महरूम रहा, यानी कि अपने दोस्त की शादी में शिरकत ना कर सका, जा नहीं सका।
लिहाजा ये या तो डाकियों को सरजनश किया जाए, सरजनश यानी कि सजा दी जाए, उसको कोई पनिशमेंट किया जाए, या कोई नया डाकिया हमारे मोहल्ले में मुतहैन किया जाए। मुतहैन का मतलब होगा कि लगाया या मुकर्रर किया जाए जो रोज के रोज डाक तकसीम कर दिया करे, यानी जो हर रोज डाक तकसीम कर दिया करे। ब्राए करम मेरी इस गुजारिश पर हमदर्दाना गौर फरमाएं ताकि हम मजीद नुकसान से बच सकें। आपकी नवाजिश होगी अल आरिज मोहम्मद अली। नीचे आपने जब बाएं तरफ जब एप्लीकेशन ख़त्म कर लेंगे तो बाएं तरफ आपने अल आरिज लिखना है और इसकी जगह दरख्वास्त गुजार भी लिख सकते हैं, सेम ही चीज़ है। उसके बाद आप हमजा छोटी ये बड़ी ये भी लिख सकते हैं और नाम भी मोहम्मद अली नहीं लिखना, आपने अपना नाम लिखना है या हमजा छोटी ये बड़ी ये, दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, दोनों ही नहीं लिख देने। उसके बाद आपने एड्रेस लिखना है अपना, जैसे आप 6 रचना ब्लॉक लामा इकबाल टाउन लिखे हैं या कोई और एड्रेस जहां आप रहते हैं। उसके बाद आपने बाएं तरफ डेट लिखनी है, 2 अक्टूबर 2019 लिखा हुआ है, लेकिन जिस दिन को आपने एप्लीकेशन लिखनी है उस दिन की डेट आपने डालनी है। जैसे आज अगर 18 है तो 18 अक्टूबर के बजाय आपने डेट के बाद स्लांट लगाएंगे, और अप्रैल है 2021 है यहाँ पे लिखें, 19 की बजाय 21 लिखेंगे। और आपने डेट लिखना नहीं भूलना, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग के 4 मार्क्स होते हैं, सेंटर के 6 मार्क्स। जैसे बख़िदमत जनाब पोस्ट मास्टर अलामा इकबाल टाउन, इसमें आपने कौमे शोशे सही लगा दिए सारा कुछ, तो आपको जनाब अली यहाँ तक 2 नंबर मिल जाएंगे, और बाकी एंड में अल आरिज और ये चीज़ जो है और डेट लिखेंगे तो आपको बाकी जो है आपको जो है नंबर इसके बाद है हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त मोहल्ले की सफाई के बारे में। हेल्थ ऑफिसर कौन होता है? हेल्थ ऑफिसर जो मोहल्ले की सफाई के बारे में किसको एप्लीकेशन लिखनी है? हेल्थ ऑफिसर के हेल्थ ऑफिसर को आपने सबसे पहले किसको लिखना है, हेडिंग देनी है बख़िदमत जनाब। अब जब मोहल्ले की सफाई के बारे में जैसे कि हेल्थ ऑफिसर को लिखेंगे तो आपने यहाँ पर भी ये लिखना है बख़िदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर, उसके बाद कौमा ज़िला यानी कि किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर, तो आपने लाहौर लिखना है। लाहौर के बाद कोई कौमा कोई फुल स्टॉप नहीं डालना आपने। और उसके बाद आपने लिखना है अनवान, अनवान मार्कर से लिखे मोहल्ले की सफाई, जैसे कि ये नीचे लाइन लगी हुई है, लेकिन लाइन को आपने अनवान के नीचे नहीं लेके आना, आपने लाइन को इसके मोहल्ले की सफाई के नीचे लिखना है। और उससे निचली लाइन में जनाब आली लिखेंगे, जनाब आली दाएं तरफ करके या सेंटर में करके लिखेंगे, और उससे नीचे स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ की सूरत में। गुजारिश है कि हमारे इलाके अलामा इकबाल टाउन में सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस है, इस मोहल्ले में शायद खाकरूबों ने आना छोड़ दिया, यही वजह है कि हर गली और कूचे में कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। गली कूचे में क्या मतलब है कि हर गली मोहल्ले में क्या है, कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। यूँ लगता है कि मोहल्ले पर बदबू का तसल्लत है, यूँ लगता है यानी कि इस तरह लग रहा है कि मोहल्ले पर बदबू का तसल्लत है, बदबू ही हर तरफ छाई हुई है। जनाब आली तसल्लत का मतलब होगा राज है। जनाब आली दो तीन रोज़ के बाद मौसम बरसात शुरू होने वाला है, तसव्वुर करके होल उठते हैं कि अगर बारिशें शुरू होगी तो बदबू के मारे यहाँ के मकीनों का सुख चैन गारत हो जाएगा, और ऐसे हालात में हैज़े की वबा के फैलने का बहुत ज़्यादा मकान होता है। अंदरी हालात आपसे गुजारिश है कि मोहल्ले के सकनान की हालत पर रहम खाते हुए यहाँ के कूड़ा करकट और गलासत के ढेरों को उठवा कर सफाई का खातर खा इंतज़ाम किया जाए। कि इसमें ये है कि जो मुश्किल वर्ड है मैं आपको इसी करवा देती हूँ कि दो जनाब आली दो तीन रोज़ के बाद मौसम बरसात शुरू होने वाला है, तसव्वुर करके होल उठते हैं। होल उठते हैं यानी खौफ आता है कि अगर बारिशें शुरू होगी तो बदबू के मारे यहाँ के मकीनों का सुख चैन गारत हो जाएगा। सुख चैन यानी कि वहाँ के रहने वालों का जो चैन है वो ख़त्म हो जाएगा, सुख चैन जो है वो गारत हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे हालात में हैज़े की वबा के फैलने का बहुत ज़्यादा मकान होता है, बहुत ज़्यादा यानी कि चांसेस होते हैं कि हैज़े की वबा फैले। अंदरी हालात आपसे गुजारिश है, यानी इसके अलावा आपसे गुजारिश है कि मोहल्ले के साकनान की जगह पे एहले मोहल्ला भी लिख सकते हैं कि एहले मोहल्ला की हालत पर रहम खाते हुए
एले महल्ला की हालत पर रहम खाते हुए यहाँ के कूड़ा करकट के और गलाजत के ढेरों को उठवा कर सफाई का खातर खा इंतजाम किया जाए। ज्यादा अदाब दरख्वास्त गुजारान एले मोहल्ला कश्मीर ब्लाक लामे इकबाल टाउन लाहौर। यानी नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना है, जब सबकी तरफ से लिखेंगे दरख्वास्त तो जैसे ऊपर आपने अपनी तरफ से लिखी है तो अल आरिस, जब सारे मोहल्ले की तरफ से लिखते हैं तो फिर दरख्वास्त गुजारान लिखते हैं। दरख्वास्त गुजार की जमा होती है गुजारान, तो उसके बाद आपने अपना नाम नहीं लिखना बल्कि एले मोहल्ला यानी पूरे मोहल्ले की तरफ से कश्मीर ब्लाक लामा इकबाल टाउन या कोई और अपनी जगह का नाम लिखते, ज़रूरी नहीं है कि आप कश्मीर ब्लॉक ही लिखें। और उसके बाद जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया था कि डेट लिखनी है, डेट के बाद आपने स्लान डालनी है, स्लान के बाद आपने महीने का नाम लिखना है, जैसे अप्रैल है तो अप्रैल के बाद आपने कोई स्लान कोमा या शोशा नहीं डालना, 2019 नहीं 21 करें, 2021 होगा और आज की डेट लिखेंगे। और उसके बाद आपने जो है एप्लीकेशन आप में ये चीज़ याद रखनी है कि आपने डेट लिखनी नहीं भूलनी, जो आप जब भी भूल जाएं कि लिखनी है कि नहीं ये देखा करें, क्योंकि लेटर के स्टार्ट में डेट होती है और एप्लीकेशन के एंड में डेट होती है। आप जब भी एप्लीकेशन लिखें तो ज़रूर चेक करें कि आपने एप्लीकेशन लिखी, एप्लीकेशन में डेट लिखी भी है कि नहीं लिखी, क्योंकि कई बच्चे ये डेट लिखना भूल जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपने इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन करना हो तो आप लोग जो है कर सकते हैं।